हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम उमेर है। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अपने भाई को। और हाँ, मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, बात ऐसी है कि कल हाँ तब तक इस तरह लिहाफ में बैठे रहोगे? अरे उठ गया उठ गया उठ गया, कहाँ से गए? शावर में पानी आ रहा, नहा लो अभी वरना चला जाएगा। फिर खोल के आई हूँ मैं। अच्छा, आपने खोला है शावर? जाओ जल्दी से नहाओ। अच्छा, चाय रख दी मैंने चूल्हे पे, जीनी आज पे। अच्छा अच्छा, जल्दी उठो जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा 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 अच्छा, फटाफट। अच्छा 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 अच्छा, अरे अरे यार, उठ रहा हूँ ना, सबर तो करो। तो उठ जाओ। अच्छा नहीं नहीं, बड़ा दम है तुझ में। अरे वाह जवान की बच्ची, उठ जा उठ जा उठ जा। अरे मेरे बाल खराब हो रहे हैं, लेट जाओगे। उठो। वंस मोर आई 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 आई। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। मेरे बाल खराब हो रहे थे, सब दिखा दिए। तमीज सीख लो। तो गाइस, पहले हम चेक करेंगे पानी गर्म है कि नहीं है। अरे भाई, ये तो ठंडा पानी है। अम्मी, ये तो ठंडा पानी है बहुत। अरे यार, ऐसी बातें नहीं करें यार। A few moments later. हाँ, कैसा है? ठंडा पानी आ रहा है। हाँ, तो फिर जब मैं बोल रहा था नहीं मानी है। अच्छा भाई, मत नहाओ, बहुत ठंडा हो गया, गैस चली गई है। अच्छा, अब रात को नहा, जब गैस आएगी तो हाँ, तुम्हारा पानी गर्म कर दूंगी, तो उससे नहा लेता। शाबाश लड़की, शाबाश, समझ रहे हो। सो गाइस, चाय बन चुकी है हमारी, अम्मी ने चाय दे दी है हमें। एक बात बोलूं मैं? क्या? तुम वैसे बहुत डरपोक इंसान हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या क्या किया मैंने? अरे ठंडे पानी आए, नहा लेते, मर्द की सूरत लगाओ। मर्द तो मर्द को ठंड नहीं लगती। वाह 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 भाई, क्लैपिंग क्लैपिंग करो भाई, इनके लिए क्लैपिंग करो प्लीज। नहीं नहीं, रुक जाओ, पहले एक क्लैपिंग। वाह, ठंडा पानी है। हमारा जिस्म तो पता नहीं किस चीज का बना हुआ है भाई। है क्या, क्या कहना क्या चाहती हो? मर्द की सूरत लगाया, मर्द की सूरत, मर्द की सूरत, उस पे चले जाते कोहे कोरकरम पे, झंडा गाड़ के आते। तो मर्द हैं तो क्या करें, क्या करें भाई। अल्लाह या अल्लाह, नहा लेते ठंडे पानी से। क्यों नहा लेते भाई, ठंड लग जाती, नजला जुकाम हो जाता, क्या होता फिर, गले में खराश आ जाती। बात तो सही है, ठंड लग जाती, कहाँ बना रही थी। अरे भाई वाह भाई वाह, असली चेहरा माँ का आ गया सामने, तमीज सीख लो। सो गाइस, फाइनली हमारा टीवी जो है वो सही होकर आ चुका है। टीवी का एक तरफ से पैनल यहाँ से टूट गया था, यहाँ से टूटा था पैनल ना। अब वो कैसे टूटा था वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बाद में बताऊंगा, फिर किसी फुर्सत के टाइम पे बताऊंगा। सही है, तो ये पैनल हमारा पूरा ख़राब हो गया था। अब इस पैनल के ऊपर, ये जो आप दिख रहे हैं ये पैनल है, यहाँ से इसके ऊपर 15,000 रुपये लगे, आपको पता है जी? आपने बिल्कुल सही सुना, 15,000 रुपये लगे हैं इस पे। बहुत मुश्किलों से ये टीवी सही होकर आया है। काफ़ी महीनों तक तो ये टीवी ख़राब ही पड़ा रहा, रखा रहा मेरे कमरे में, ख़राब था, तो बहुत मुश्किलों से सही हुआ ये टीवी। तो लिहाजा प्लीज़ किसी के घर जाएं तो किसी का नुकसान ना करें। बात तो सही है। तो गाइस, रात में मैंने व्लॉग एंड कर दी थी, बताया था कि यार मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो मैं वाकई में बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो अब ये है कि सुबह जब मैं उठा, तो उठ के जब, यानी मैं अभी उठा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा कि अम्मी ने ये डेस्क यहाँ ला के रख दिए, असंभव, टीवी भी रख दिया, सही है, और ये एंड्रॉइड बॉक्स वगैरह सब अम्मी ने लगाया भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब ये कैसे अम्मी को पता था कि कौन सी कॉर्ड कहाँ लगेगी? कहाँ गई अम्मी? है अम्मी, ये आपको कैसे पता कि कॉर्ड कौन सी कहाँ लगेगी? वाह भाई, वैसे आपने मुझे वैसे एक बात बताओ, सरप्राइज किया। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो इन्होंने सब कुछ लगाया है और मैं अपनी आपको दिखा दूँ कितना सेट लगाया है। तो ये कॉर्ड जो थी ना, ये तो लगी हुई थी, चलो ये मान लिया ये लगी हुई होंगी, सही है, लपेट के रखा हुआ था हमने, सही है। लेकिन ये वाली जो कॉर्ड होती है, ये कहाँ लगेगी, ये वाली कौन सी कहाँ लगेगी, ये
शक हो रहा है मुझे लेकिन मेरे और अम्मी के सिवा और कोई होता भी नहीं है घर में, तो ये अम्मी ने ही लगाई होगी। मैं नहीं मानता। हो गया ऑन, हो गया। सो गाइस आइए टीवी ऑन करते हैं। अरे वाह भाई वाह, ऑन हो गया। तो अब ये है कि हमारा जो है एंड्रॉयड बॉक्स ऑन हो गया, तो अभी हम चला के देखते हैं कि कैसा रिजल्ट है भाई, कैसा पैनल लगाया उन्होंने। इतने दिनों बाद ऑन हुआ है ये एंड्रॉयड बॉक्स, तो यूट्यूब पे हम चलाएंगे। ठीक है। अरे अम्मी आपने शायद पोछा लगाया है, वाईफाई डिवाइस निकल गई है। 2 hours later. So guys, मेरा चैनल यहाँ पे लग चुका है और नेट भी चल चुका है। So guys, आप देख रहे हैं ये मेरा बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है। टीवी का जो पैनल है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है भाई, मज़ा आ गया भाई। पैनल मतलब मैं ये समझ रहा था कोई हल्का फुल्का पैनल लगा दिया होगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा पैनल लगाया भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा। So guys, मैं अभी खा रहा हूँ मक्खन बादामी, बहुत मज़े की टॉफ़ी है ये। अम्मी आपका टीवी तो भाई बेहतरीन चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह। आप बात कर लेते हैं अम्मी क्या कर रही हैं। अम्मी यहाँ पे कर रही हैं बिस्किट की तैयारी। अम्मी बिस्किट बना रही हैं, बताओ हमें पता ही नहीं और बिस्किट बनाने शुरू कर दिया, बताओ। कोई बात नहीं। सो गाइस अम्मी ने मांग ली है मेरे से मदद। मदद क्या मांगी है? बोल रही है भाई ये चीनी पीस के लाओ, चीनी। अम्मी इतनी पीसनी है बस? हाँ, बस। अच्छा सही है। अरे हम तो भूल ही गए थे, डेस्क हट गई है यहाँ से, मात्र टीवी रख दिया हमने उस डेस्क पे। अब हमें लगता है इस स्टैंड पे पीसना पड़ेगा अब हमें। ओके हमें देखें पीसी है नहीं पीसी, छाननी तो पड़ेगी आपको वैसे भी। हाँ छाननी तो पड़ेगी। तो गाइस छान के पता चलेगा कि हमारा काम सही हुआ है कि नहीं हुआ। हमारा काम सही हुआ है, बस थोड़ी सी नहीं पीसी। हाथ हटाए, देखो कितनी अच्छी शुगर पिस गई है। हमारा यहाँ काम खत्म होता है, अब अपना काम शुरू करें। 1 hour later. अम्मी ने बना ली है यहाँ पे बिस्किट्स। अब आप मेरे हाथ के बिस्किट देखना, सही है, मैं थोड़े अलग डिजाइन के बिस्किट बनाऊंगा। ओके जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी। सो गाइस देखें इतने सारे बिस्किट मैंने बना लिए हैं, तकरीबन 10 बिस्किट बना लिए हैं। अब करना क्या है, अब मैंने इसके ऊपर दूध की लेयर लगानी है। सो गाइस अब हम इसमें डालेंगे चीनी। सो गाइस ये 4 अखरोट को मैंने तोड़ के रखा हुआ, अब ये मैं डालूंगा। 1 hour later. So guys, ये मैंने बिस्किट्स पहले निकाल लिए थे, ये बिस्किट्स मैंने अभी निकाले हैं, तो आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ओए होए 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 होए, अब ये है कि मैं इसको बर्नी में भर देता हूँ। सो गाइस कल व्लॉग अधूरी रह गई थी, तो कल हमने क्या शॉपिंग करी वो मैंने आपको ठीक से नहीं दिखाया, तो आइए मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ कि अम्मी ने क्या सामान लिया और मैंने क्या सामान लिया। अम्मी ने ये कंटेनर लिए थे और ये 2 आए हैं, एक ही पैक में 2 थे, सही है, ये हमने बिस्किट रखने के लिए लिए हैं। तो अभी जितने भी बिस्किट मैं रखूंगा वो इसमें रखूंगा, सही है। सो गाइस माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा, देखें गाइस माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा हो गया है कुकीज जार। ओके कितना खूबसूरत लग रहा है, अब हम इसको बंद कर देते हैं। लो भाई रात का खाना हमारा आ गया, बेवक्त भूख मिटाए अम्मी और उमेर के हाथ के बने हुए बिस्किट। सो गाइस कल मैंने क्या क्या खरीदा है, कल मैंने ये एक अपर खरीदा अपने लिए, सही है, ये बहुत खूबसूरत अपर है,
और चेज अप से जो मैं अपर ले रहा था उसके ना रुएं होते ना अंदर के रुएं, वो टी शर्ट पे चिपक रहे थे, और टी शर्ट का जो कपड़ा था वो रुएं चिपका रहा था, सही है। तो मैंने जब भी वहाँ से चेज अप से जब भी कैंसिल कर दी। अबे साले बिग बाय, तो वहाँ से मैंने शॉपिंग करी है, सही है। तो वहाँ से यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा मिला है, सही है। और फिर मुझे वैसे तो मेरी एक ही चीज़ लेने का था कि मैं कोई एक ही चीज़ पसंद करूं, या तो टी शर्ट पसंद कर लूं या तो कोई अच्छा सा कोई अपर कुछ भी। लेकिन फिर अम्मी ने बोला बेटा आप ये भी ले लो ये, क्योंकि अभी मिलेगी नहीं फिर आपको, फिर सही है। और ये मैंने लिए हाई नेक, सही है, ये हाई नेक है, लेकिन ये ट्रिपल एक्सेल ली है मैंने, ढीली ढाली ली है। और ये है कि इसका कपड़ा वैसा मोटा नहीं है जैसे हाई नेक का होता है, सही है, पतला कपड़ा है। तो ये है, तो आप अंदर पहन लो, सही है, और इस पर कोट वगैरह चढ़ा लो, सही है। तो ये वो वाला नहीं है कि आप सिर्फ यही पहन लो आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाए, वो वाला स्टफ नहीं है इसका, सही है। तो ये मैंने खरीदी है, तो अब मैं आपको इसको पहन के दिखाता हूँ। ओके, सो गाइस कैसा लगा, अच्छा लग रहा हूँ। अब ये है कि इसके पीछे टोपा भी है, अब अच्छा लग रहा हूँ, या अब अच्छा लग रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, हल्का फुल्का ये जॉगिंग करने के लिए भी अच्छा है। आ, 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 थक गया, समझ रहे हो। सो गाइस हाई नेक कैसी लग रही है, मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा चुपकी भी नहीं है ये, सही है। ये ट्रिपल एक्सेल साइज है, वैसे जब मैं जिम वगैरह करता था तो मैं मीडियम लेता था मीडियम लेता था मैं, और फुल चिपकी भी पहनता था। लेकिन आजकल जिम नहीं हो रहा है तो जिसकी वजह से मैं बड़े कपड़े पहनने पर मजबूर हो गया। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये कलर कैसा है, फिटिंग कैसी है, अच्छा लगा। The next day. So guys, आखिरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वो मैंने क्या काम करवाया है, और वो ये था कि वो सीट बेल्ट था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कितना अच्छा लग रहा है। सो ये सीट बेल्ट तो पहले से लगा हुआ था मेरी गाड़ी में, लेकिन ये मैंने नया लगाया, पुराना वाला ख़राब हो गया था। अब देखो इसको लगाएंगे कैसे, कैसा अब गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में, बात तो सही है। ये अब कोई भी मेरा चलान नहीं काट सकता, एक दफ़ा कटा था बहुत पहले एक साल पहले, अम्मी एक साल पहले कटा था, वो भी नुक्कड़ पे यार, जहाँ पे कोई पकड़ता नहीं है। वह उन्होंने देख लिया कि बच्चा है, वो फौरन उन्होंने बोला 500 रुपए का चलान काट के दे दिया उन्होंने। चलो फर्स्ट वार्निंग होती है, हमने ऐसे कर लिया था, लगा लिया था, हर कोई ये करता है, लेकिन हमने इस बार परफेक्ट काम किया। अब चलान करके दिखाओ, तो गेम बजाना पड़ेगा, देखा खोल लिया। सो गाइस पिछली व्लॉग में मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सका था, तो मैंने सोचा था कि अगली व्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगा सारी चीज़ें, जो जो मैंने काम करवाया है और जो जो चीज़ें ली हैं वो पूरी तरीके से दिखाऊंगा। तो ये आखिरी चीज़ थी सीट बेल्ट, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कॉमेंट्स कर दिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने भाई को, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, सही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।